सुनाऊंगी। अगर आप अपने कंप्यूटर को फास्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उन्हें भी कह सकते हैं हमारा चैनल आएगा ऐसे। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने क्या करना है, उससे पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन कर लेना है तो इधर लिखना है सी क्लीनर, फिर से क्या लिखना है सी क्लीनर। सबसे पहले वाले पे क्लिक कर देना है, तो आपने किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना, तो ये अपने आप डाउनलोड होगी। अगर आपका निशान ऐसा नहीं आता तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये सेटअप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ से या तो डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आपने यहाँ से लेना है। तो जब मैं डाउनलोड करा मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये सेटअप है, इसमें आपने ओपन कर लेना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। लो एंड पीसी के लिए बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप डायरेक्ट जाकर ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लेना है आप। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने देखिए दो एक सेकंड आपने सबर करना है, तो फिर आपने इस वजह पे मेरा किसी भी नहीं करना। और एक रिक्वेस्ट ऐप होएगा, आपने इसमें क्या करना है क्लोज कर दो। स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो आपने इधर करना है, तो आपने इसकी कॉल कर देना है, इससे आपका कंप्यूटर इतना अच्छा हो जाएगा और आप इस कंप्यूटर की स्पीड ऑटोमेटिकली अब हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, तो आपने क्या करना है मेक इट बेटर भी कर सकते हैं। तो आपका जो कंप्यूटर अगर आपकी 4 GB 2 GB रैम और 8 GB है तो आपका ये कंप्यूटर प्रो बन गया है। तो यहाँ से अब अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन आपने अपग्रेड नहीं करने, तो आपने स्टार्ट आवर पे आना इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें रन क्लीनर, तो सब पे हमें टिक करना है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपने ऐसा करना है, सब पे क्लिक कर देना है। तो मैं चलो क्लिक कर देता हूँ, और जिन पे नहीं ये कह रहा तो आपने नहीं करना है, तो आपने रन क्लीनर पे करना है। तो डू नॉट शो मी अगेन करके कंटिन्यू कर दें, तो ऐसा दोबारा आया तो आपने यस। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, तो इसने फायरफॉक्स भी हमारा क्लोज कर दिया है, और अब इसमें जो डेटा है वो भी चेक कर रहा है इंटरनेट जो भी है। तो आप ऐसे अपने कंप्यूटर को अच्छा कर सकते हैं। और ये देखें इसने जो ये बता दिया है, निकाल दिया है कि ये फाइल्स आपकी यूज़ है, बेकार है, आपका कोई फ़ायदा नहीं इसमें रखने का, पर पी सी की स्पेस भी दे रही है। तो आपने रन क्लीनर कर देना, तो ये फिर हिस्ट्री जितनी भी एडवांस सब कुछ ले आएगा, फिर आपने दोबारा रन क्लीनर करना है। तो ऐसे 2-3 मरतबा करेंगे तो आपका कंप्यूटर सेट हो जाएगा। अब ये देखें क्लीनिंग कम्प्लीट, तो आपने दोबारा ड्राइवर अपडेटर पे जाना है, कंटिन्यू करना है। तो आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, इट अपडेट सेव। तो हाउ डज इट वर्क, तो स्कैन योर ड्राइवर करते ही तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जा रहा है, तो आपने इसे जाने देना है।
स्किप करके बताया ये 100% हो गया। तो आपने 2 सेकंड का समय देना है, इस तरह आपने ये भी हैंड को चेक कर ली और कस्टम क्लीन भी करना। अब ड्राइवर पेट पे रेड ऑप्शन है, इसका मतलब है कि इसका मसला है। तो आपने स्कैन अगेन कर लेना है अगर आपका कोई सिस्टम का मसला है, यानी सिस्टम का मसला से मुराद कि आपका ड्राइवर आया ना हो, आप चाहते हो वो भी ड्राइवर है तो देखिए आप पे डाल कर देते हैं। तो ये आ गया, आपने इसे कैंसिल कर दिया, अभी अपने आप इसे ठीक कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये देखो कंप्यूटर का एक ड्राइवर है। तो आपने उसे क्या करना है, इधर जाना है और दोबारा पे डाल कर देखते हैं। तो ये ड्राइवर अगर ड्राइवर अपडेटर आप खोल भी रख सकते हैं तो इसका, लेकिन आपको जो क्लीनर है वो बेस्ट है, इसलिए आप इससे बेस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये बता दिए कि इन्होंने ड्राइवर अपडेट कर दिया, लेकिन जो अपडेट नहीं हो सकते इससे वो आप किसी और से भी करते हैं। रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री और टूल्स भी, इसके बाद ये जो आके है अब यहाँ से मजे के बाद ये पकड़ा और इंस्टॉल कर दिया, आपका पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम चल नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा ये नहीं चल रहा, तो हमें यहाँ से रिपेयर अभी ठीक है तो इसे इंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और भी अगर कोई प्रोग्राम इधर शो नहीं हो रहा, जैसे कि आप प्रोग्राम उसे इंस्टॉल करते हो उसके अंदर वायरस है, तो आपकी दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे सिस्टम री शो भी आते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर आप एंटीवायरस आपको बेस्ट है। और ये ऑप्शन ये देखें फेसबुक यूट्यूब अपडेट यूट्यूब, तो आप यहाँ से सोशल मीडिया में से डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको PC की कोई भी मालूमात आप तक पहुँचती रहे और प्लीज़ सब्सक्राइब।